बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस होगा साहब आपका। अरे एक्सपीरियंस बिल्कुल पेल के। अच्छा क्या बना रही है कंपनी? आनस बनाती है कंपनी। अच्छा खाने पीने की सुविधा है अंदर? खाने पीने की नहीं है, खाने का है। क्या क्या? हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त इसरार और आप देखना शुरू कर चुके हैं इसरार A to Z। दोस्तों इस समय मदरसन कंपनी की छुट्टी हो चुकी है और मैं कंपनी से थोड़ी सी दूर पे हूं। जी हां दोस्तों, कंपनी से थोड़ी सी दूर भी हूं क्योंकि कंपनी के ठीक सामने ना मदरसन में अलाउ नहीं है। जब छुट्टी होती है तो उस टाइम वीडियो शूट करना अलाउ नहीं होता। तो फाइनली जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, अभी कंपनी से भी छुट्टी हो चुकी है और सभी लोग जा रहे हैं और यहाँ पर हम कुछ भाई से भी बातचीत करेंगे। जैसा कि पीछे कुछ भाई आ रहे हैं यहाँ पर और ये कुछ भाई हमारे जा रहे हैं, ये भी मदरसन में काम करने वाले वो भाई हैं जो सुबह 5 बजे देखिए शिफ्ट में है। सुबह 5 बजे जाते हैं और 2 बजे छुट्टी होती है इनकी। और क्या नाम है भैया आपका? क्या कहाँ रहने वाले? क्या नाम भैया? आगरा। आगरा रहने वाले हैं। कहाँ काम करते हो साहब? मदरसन में। मदरसन में? रुक जाओ, आप सबसे बात करना है यार, मदरसन में काम करते हो ना? अच्छा कब कौन सी शिफ्ट में थी आपकी? सुबह में? मॉर्निंग। हाँ सुबह। कितने बजे? सुबह 6 बजे। अच्छा तो कितने घंटे ड्यूटी करना पड़ता है? 8 घंटे। कितनी सैलरी उठ जाती है? अब सैलरी कहाँ उठ रही है, सैलरी तो नहीं है ना। अच्छा सैलरी नहीं उठ रही है। अच्छा कंपनी में कैंटीन की सुविधा? हाँ कैंटीन की सुविधा। सुविधा साहब क्या नाम है भैया आपका? कुंदन कुमार। कहाँ रहने वाले साहब? यहाँ पटना के। पटना। कब से काम कर रहे हो? 5-6 महीने से कर रहे हैं। 5-6 महीने। क्या बनाती है कंपनी साहब? ये हार्नेस बनाती है। हार्नेस बनाती है तो कोई दिक्कत नहीं है ना? कितना उठ जाता है सैलरी? 10,000 रुपये उठ जाता है। क्या नाम है भैया आपका? पांडे जी। पांडे जी कहाँ रहने वाले? पांडे जी अमेठी। अमेठी प्रतापगढ़। अरे वहीं के तो हम भी हैं भाई, अमेठी के। अच्छा तो कितना उड़ जाता है? अरे और क्या काम की बात करें, क्या बनाती है कंपनी? हार्नेस, बैटरी, धीरे बिजली पहुंचाना। अच्छा तो इससे पहले ही कहीं काम किया या तो पहली बार ही है? नहीं इससे पहले भी काम किया था फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट में? यस। अच्छा कितने दिन से यहाँ पे काम कर रहे हो? यहाँ मैक्सिमम हो गए 1 ईयर। 1 ईयर हो गए है ना। कैंटीन वेंटीन की सुविधा है सर? कैंटीन की सुविधा भी अवेलेबल है। अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है? नो प्रॉब्लम। कितना उड़ जाता है महीने की बात? मैक्सिमम 20,000 उड़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जैसे हमारे भैया ये आ गए, पांडे जी आप सब लोग यूट्यूब पे दिखाई दोगे ना पांडे जी? जैसे ये हमारे भैया आ गए, भैया एक यार ये डरने वाली बात नहीं है भाई, यार चाकू लेके थोड़ी ना मार दिया, जादू चला के आपको छोटा बड़ा थोड़ी ना कर दूंगा या अजूबा थोड़ी हूँ यार। यार ये बताओ, मैं वो अमिताभ बच्चन का फिल्म अजूबा थोड़ी ना कि जादू करके तुम्हें छोटा कर दूंगा। अच्छा क्या नाम है साहब आपका? आनंद। भैया आनंद जी एक मिनट बात कर लो साहब, एक मिनट बात कर लो साहब। क्या नाम है साहब जी? अरे बात करो यार। आनंद जी आप सब दिखा रहे हो यूट्यूब पे, ऐसे ही दिखोगे बताओ अच्छा लगेगा? जो आपको देखेगा यूट्यूब पे कहेंगे भैया देखो आनंद जी शर्मा रहे हैं। वो तो हम बात करेंगे, उनका भी नंबर है। पहले आपसे हमारा जीत है। क्या नाम है आपका? आनंद। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार। अच्छा बिहार। कब से काम कर रहे हो दोस्त इसमें? 3 साल। 3 साल हो गए। तो जब भर्ती हुई तो क्या क्या डॉक्यूमेंट दिया था भाई? 10वीं देखा था। 10वीं का दिया था। कंपनी का कैंटीन वैन की सुविधा है? सुविधा है। अच्छा कंपनी क्या बनाती है साहब? हार्नेस बनाती है, वायरिंग हार्नेस। हार्नेस बनाती है। अच्छा तो कैंटीन वेंटीन के खाने पीने की सब फ्री का या चार्ज लगता है? चार्ज लगता है। कितना कटता है पैसा? 13 रुपये कटता है। भर पेट खाओ। अच्छा यहाँ कहाँ पे रहते हो आप? यहाँ पे याकूपुर। याकूपुर। कितना रूम का भाड़ा है भाई? 2500 ले रहा है। 2500। कितने लोग रह रहे हो भाई? अकेला। अकेला। कोई दिक्कत नहीं ना बड़े भाई? बस यही दोस्त पूछना था बड़े भाई आपसे। आप ऐसे भाई देखो जो पूछे ना कोई भी मीडिया वाला चैनल वाला बताना चाहिए हर चीज़। अच्छा जैसे हमारे भाई देखो हमारा चश्मा लगा, ओह क्या बात है बहुत बढ़िया लग रहे हैं। क्या नाम है साहब आपका? राहुल कुमार। अरे कुमार जी क्या बात है, कहाँ रहने वाले साहब? इटावा। इटावा रहने वाले? अरे बार बार। अच्छा कब से यहाँ पे काम कर रहे हो भैया मदरसन में? ये तो हमको पता नहीं अभी यार, कितना महीना होगा ये तो आइडिया होगा कोई? 2 महीने 6 महीना? लगभग हो गए 5 साल। 5 साल हो गए, फिर तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस होगा साहब आपका। अरे एक्सपीरियंस बिल्कुल पेल के। अच्छा क्या बना रही है कंपनी? आनस बनाती है कंपनी। अच्छा खाने पीने की सुविधा है अंदर? खाने पीने की नहीं है, खाने का है। क्या क्या खा लेते हो? यही सब मिलता है जो खाने को, रोटी सब्जी और क्या। अच्छा अच्छा। अच्छा बात करें कितने घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है? अरे जितनी फेल पाओ इसमें तो 16 तक और क्या, 8 से 16। अच्छा तो कितना उठा भी तो सैलरी भी तो उठेगी फिर? अरे यार ये तो हमने 25। अरे कोई दिक्कत नहीं है बताओ, कोई दिक्कत। वैसे तो 10,000 उठ पाती है। अच्छा और अगर ज्यादा ओटी लगा लेते? ओटी लगाओगे तो फिर 20 हो जाएगी 25 हो जाएगी। तो भैया बातचीत काफी अच्छा लगा और देखो जैसे छुट्टी हो चुकी, सभी भाई निकल चुके हैं जा रहे हैं और जैसे कि भैया हमारे आ रहे हैं अभी, इनसे ही बातचीत करते हैं। क्या नाम है बड़े भैया? कर रहे हैं आपसे भी कर रहे हैं। क्या नाम है बड़े भैया आपका? सूरज।
सूरज भाई कहाँ रहने वाले हो साहब? यूपी प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ क्यों? अच्छा यार, तो हम भी है यार, प्रतापगढ़ जौनपुरी साहब। हाँ तो ये बताइए कहाँ पे काम करते हो साहब? मदरसा में। मदरसा में कौन सुबह वाले शिफ्ट में थे आप? जी मॉर्निंग। कितने बजे सुबह में आते हो? छः बजे आ जाते हो, है ना? तो कितने बजे छुट्टी होती है? दो बजे छुट्टी। अच्छा, कब से मदरसा में काम कर रहे हो? लगभग एक साल हो गया। कितने घंटे ड्यूटी करना पड़ता है? अगर रोटी लगेगी तो 16 घंटे, नहीं तो 8 ही घंटे ड्यूटी। कितना उठ जाता है महीने की बात करें? 15-16 जैसे ओटी के हिसाब से होता है। उड़ जाता है। अच्छा, तो यहाँ रहते कहाँ पड़े भैया? रहते हैं नया गाँव। रूम का भाड़ा कितना था? रूम का भाड़ा 3500। एक लोग रहते हो? कितने लोग? 4 लोग रहते हैं। तो सेफ्टी है भैया। हाँ, कम मतलब बजट हो जाता है, कम पैसा लगता है ना? मैं तो यही चाहता हूँ। अच्छा, जो जैसे जो हमारे भाई अगर बाहर से आना चाहें, दूसरे सिटी जैसे प्रतापगढ़ से कुछ लोग आना चाहते हैं, तो वो आ सकते हैं? नौकरी मिल जाएगी नोएडा में? हर कंपनी में भर्ती रहती है ना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं तो क्या आने के बाद बेरोजगारी हो? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि नोएडा के अंदर कमी नहीं है नौकरी की, इसमें भी चल रही है दबा के वैकेंसी। कितने बजे सुबह आना पड़ता है कि हमारी भर्ती हो जाएगी? यहाँ आप सुबह 8 बजे, आप 8 बजे भी आ जाओ, 6 बजे भी आ जाओ, 7 बजे भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, भर्ती हो जाएगी। जब आप भर्ती हुए तो सूरज भाई तो क्या क्या डॉक्यूमेंट दिया था? आधार कार्ड, बैंक पासबुक, कोरोना सर्टिफिकेट और उसके बाद हाई स्कूल मार्कशीट ओरिजिनल। खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं? खाने पीने की सुविधा है? खाने पीने की सुविधा है, चाय पानी की सब सुविधा है, सब सुविधा है। चलो मस्ती है ना एकदम, आने जाने के लिए सब की सुविधा है, बस की भी सुविधा है। आप लोग तो पास में हो ना याकूबपुर से? हम तो पास में ही हैं, इसलिए पैदल ही निकल जाओगे? पैदल ही। सूरज भाई बातचीत काफी अच्छा लगा, लुक भी काफी अच्छा भैया का। ये देखो आप, है ना, घड़ी में हाथ में घड़ी है ना, प्रोफेशनल लुक। तो ये बातचीत करेगा। अच्छा, आप लोग सब लोग यूट्यूब पे आओगे ना दोस्त? सभी हमारे भाई जिन लोगों से हमने बातचीत किया, सभी लोग यूट्यूब पे आओगे। एक बार इन भैया से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है साहब आपका? आकाश भाई। अरे यार, क्या सूरज आकाश सब मिल रहे हैं यार। अरे लगा दो भैया कोई, अरे लगा दो यार, कोई बात नहीं है। सही आई फोटो? अरे क्यों नहीं यार। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो आकाश भाई? झारखंड से। झारखंड बिहार के रहने वाले? अच्छा, कब से यहाँ पे नोएडा में हो साहब? हो गए 6 महीने। 6 महीने हो गए? तो किसके इससे पहले भी नोएडा में रह चुके हो कि बस 6 महीने का ही कोर्स? नहीं, इससे पहले बार आया है। पहली बार आया। तो ये बताइए जो क्या बनाती है कंपनी मदरसा? हार्नेस बनाती है। सुबह कितने बजे शिफ्ट थी आपकी? 6 बजे। अच्छा, तो जैसे कि अगर बात करें 8 घंटे ड्यूटी में कितना हो जाता है मालिक? ठीक ठाक हो जाता है। सैलरी की बात करें? सैलरी नहीं, मेरा अप्रेंटिस हाँ, रहने खाने का हो जाता है 12-15 हज़ार आराम से। हाँ, तो कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है ना? और बाकी कैंटीन वैंटीन की सुविधा है? कैंटीन की सुविधा है बिल्कुल। चलो, आपकी आकाश भाई से बातचीत है, काफ़ी अच्छा लगा। इनका लुक देख लो आप, वो चश्मा हमारा लगा ली इन्नो भैया ने, काफ़ी अच्छा लग रहा। आप जैसे एक भैया हमारे और आ रहे हैं, इनसे हम थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है भैया भैया आपका? क्या बात करेंगे? बस ऐसे ही आपके बारे में, कहाँ से आए, कब से काम करें नोएडा के अंदर, कैसा एक्सपीरियंस रहा, कंपनी सही है, क्या बनाती, बस यही सब, जिससे कि लोग नए आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। जैसे आप कहाँ काम करते हो साहब? मैं मदरसन कंपनी में काम। अच्छा, क्या बनाती है साहब वो? वायरिंग हार्नेस। कंपनी कोई दिक्कत नहीं ना साहब? अभी भगवान की कृपा से तो सब अच्छा चल रहा है, सबसे मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? रीवा, मध्य प्रदेश से। रीवा से हो आप? अच्छा, वही हनुमाना साइड ना? जी। हनुमाना तो नहीं हो? हनुमाना नहीं, रीवा मध्य प्रदेश, प्रॉपर रीवा न्यू बस स्टैंड। अच्छा, प्रॉपर रीवा का। अच्छा, कितने घंटे ड्यूटी करना पड़ रहा है? 8 घंटे। अच्छा, सैलरी ठीक ठाक उठ जाता है? सैलरी हाँ, 10,000 तकरीबन कट पिट के आ जाती। अच्छा, और अगर ओटी लग जाता है तब? ओवर टाइम यहाँ का डबल रहता है। डबल ओवर टाइम? कंपनी कार की आवश्यकता के ऊपर डिपेंड करता है कि ओवर टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। जब सर साहब जो आपकी ज्वाइनिंग हुई थी तो क्या क्या आपने डॉक्यूमेंट दिया था मालिक? आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, वैक्सीन सर्टिफिकेट, मार्कशीट 10वीं 12वीं की ITI की, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर वगैरह है तो वो भी लगा सकते हैं। अच्छा, ये बताइए भाई, जैसे हमारे मध्य प्रदेश रीवा या ड्रामलगंज या किसी मिर्जापुर साइड से अगर हमारे लोग आने चाहें तो नोएडा में आ सकते हैं काम में? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई नहीं, अगर कंपनी में आ रहे हैं तो उसकी कोई दिक्कत नहीं, कंपनी उनका सहयोग करती है हर प्रकार से, और अगर उनके सारे डॉक्यूमेंट सही होते हैं तो कंपनी अपने पेरोल पे रख लेती, कोई दिक्कत नहीं होता। तो भैया बातचीत काफ़ी अच्छा, भैया आप भी